हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमजद खान है। मैं आईसीएसई फाउंडेशन में पंप्स एंड मोटर रिपेयर का ट्रेनर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेट पंप की डिसमेंटलिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्लेंज से। तो ये पाना लेंगे हम 13 नंबर का, जिसमें फ्लेंज की ये दोनों नटों को खोला जाएगा। फ्लेंज को मैंने निकाल दिया है। इसके बाद नॉन रिटर्न वाल्व को निकालेंगे। इसके बाद हम डिलीवरी फ्लेंज को खोलेंगे, जो कि 17 नंबर के पाने से खुलेगी। पीछे से होल्ड करेंगे। डिलीवरी फ्लेंज को खोल लिया है। अब यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, हम इस केसिंग को खोलेंगे। केसिंग के यहाँ पर नट निकालेंगे, जो कि 8 नंबर के पाने से होंगे। इसके बाद हैमर और गुटके की सहायता से, वुडन बार की सहायता से हम इस केसिंग को खोलेंगे। अब देख सकते हैं मैंने केसिंग को खोल दिया है। इसके आगे वाले पार्ट को भी बाहर करेंगे। आगे वाले पार्ट को भी हमने केसिंग को बाहर कर लिया है। यहाँ पर भी हम इसको आगे वाले पार्ट को बाहर कर देंगे। इसके बाद इंपेलर को खोलेंगे। इस तरीके से इसको रखा जाएगा और हम अंदर वाली शाफ्ट को होल्ड करेंगे। इंपेलर को बाहर करेंगे। इसके बाद हम मैकेनिकल सील को बाहर करेंगे। इसके बाद मोटर को लटाएंगे। मोटर का पीछे वाला पार्ट फैन कवर होता है, इसको खोलेंगे। छोले साइड का भी खोलेंगे। इसके बाद इसको दोनों साइड से ठोक के बाहर कर देंगे। ये रोटा वाला पार्ट खुल चुका है हमारा। लास्ट में एंड कवर को निकालेंगे। एंड कवर खुल गया और ये मोटर खुल गई। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये सारे पार्ट्सों को बाहर कर दिया है और हमारा डिसमेंटलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।